पहले मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके माध्यम से ही एकजुट जम्मू पार्टी निरंतर जम्मू के हित में कार्य कर रही है और उस पर सफलता भी पा रही है। पार्टी प्रेसिडेंट श्री अंकुर शर्मा जी की अध्यक्षता में जिस तरह एकजुट जम्मू पार्टी जम्मू के हित में कार्य कर रही है, चाहे वो जम्मू की पहचान को बचाने की बात हो, जम्मू के कल्चर को बचाने की बात हो, रोहिंग्याओं को भगाने की बात हो, लैंड जिहाद मुक्त करने की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, ऐसे सभी इश्यूज पर एकजुट जम्मू पार्टी जिसका निर्माण ही जम्मू के लिए हुआ है उस पर निरंतर कार्य कर रही है। और उसी में से जो एक मुद्दा है वो यही है कि हम चाहते हैं कि शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर बाबा जीतो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखा जाए। कारण यही है, आप जानते हैं कि बाबा जीतो जी एक बहुत बड़े किसान रहे हैं, हमारे जम्मू के लोकल हीरो रहे हैं और न्याय की मूर्ति रहे हैं। उस न्याय की मूर्ति ने उस वक्त न्याय को जिंदा रखने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी। बाबा जीतो जी वही हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान को कभी भी आंच नहीं आने दी। ऐसे लोकल हीरो जो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी के लिए एक तरह से प्रेरणा बनते हैं, एक तरह से प्रेरणा हैं, और जिनका एक झिड़ी का बहुत बड़ा मेला हमारे जम्मू में लगता है। नॉर्थ इंडिया, पूरे भारतवर्ष से लोग उनके श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। ऐसे महान आत्मा के नाम पर मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी क्या, कॉलेज क्या, हॉस्पिटल क्या, नाम ही इनके नाम पर होने चाहिए। क्योंकि आज जो दौर चल रहा है, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन लें, ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जिनका एक बहुत अच्छा एक करेक्टर है, ना कि उन लोगों से प्रेरणा ली जाए जिन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति की हो, जिन्होंने एक विशेष धर्म के फेवर में काम किया हो और दूसरे एक कम्युनिटी के खिलाफ काम किया हो। मैं बात कर रहा हूँ शेरे कश्मीर टाइटल जिस दिया गया है शेख अब्दुल्ला की। शेख अब्दुल्ला जी ने हमेशा जम्मू के खिलाफ कार्य किए हैं। वो एंटी जम्मू रहे हैं, एंटी डोगरा रहे हैं। उनकी पॉलिसीज जितनी भी उन्होंने फ्रेम की सारी जम्मू के खिलाफ रही हैं। डोगरों को अपलिफ्ट उन्होंने कभी होने नहीं दिया, डोगरों की डेवलपमेंट उन्होंने होने नहीं दी। पिछले 75 सालों से निरंतर जो जम्मू को गुलामी की जंजीरों में बांध के रखा है, ये वही कश्मीरी नेता हैं जिनकी मेहरबानी है। इसीलिए एकजुट जम्मू पार्टी कहती है कि हम लोगों को अगर जम्मू को बचाना है तो लास्ट उसका एक जो सोल्यूशन है, जो उसका एक एग्जाम्पल है, जो सोल्यूशन है, वो यही है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाए। जब जम्मू सेपरेट होगा, जब जम्मू पर किसी का राज नहीं होगा, जब जम्मू गुलाम नहीं कश्मीर का होगा, जब जम्मू का नेता खुद का होगा, जब जम्मू अपने डिसीजन खुद लेगा, जब जम्मू अपने बच्चों की तरक्की के लिए खुद सोचेगा, तब जाके जम्मू का भला होगा। पर सरकार इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। पर फिलहाल अगर हम स्क्वैश की बात कर रहे हैं तो हमारी जम्मू की आस्था को देखते हुए, हमारे जम्मू के डोगराओं की भावनाओं को देखते हुए हम चाहते हैं कि स्क्वैश का नाम बदलकर बाबा जीतो रखा जाए। आप जानते हैं कि बाबा जीतू जी, उनका एक बहुत बड़ा इतिहास है और उनके नाम का जो ये मेला लगता है जिसमें पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया से आते हैं, तो ऐसे लोगों के नाम पर हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी हो। उसी चीज को देखते हुए पिछले दिनों हमने प्रोटेस्ट किए, उसके बाद हमने मेमोरेंडम एलजी तक पहुंचाया, डिपकॉम से मिले, और डिपकॉम द्वारा जो हमें आश्वासन दिया गया कि इन दिनों जो बाबा जी का मेला चल रहा है उन दिनों में ही हम कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जिस पर आप जम्मू की भावनाओं को, लोगों डोगरों की भावनाओं को देखते हुए हम लोग इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। पर उनके द्वारा कुछ भी हमारे हित में काम नहीं किया गया, इस पर सोचा नहीं गया, उन्हें ये जो मुद्दा है वो एक साइड पर रख दिया। इसीलिए हमारी जो युवा विंग है पूरी एकजुट जम्मू पार्टी इस पर काम कर रही है, और पिछले दिनों हमारे जो युवा विंग है उसने अपने अपने एरियाज को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे सभी ऑफिस बेयरर्स ने इस पर एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए, और लोगों से आह्वान किया कि लोग बड़ी से बड़ी मात्रा में हमसे जुड़े और इस मुहिम को मजबूत करें जिस तरह से हमने महाराजा हरि सिंह जी की मुहिम को मजबूत किया था। अकेला अकेला बच्चा एक लीडर बना था, उस वक्त सभी लोगों को, सभी डोगरों को एहसास हुआ कि हम लीडर हैं। लीडर वही है जो अपनी जिम्मेदारी समझे, जो ये समझे कि ये मेरा नैतिक धर्म है कि अपने लोगों के लिए स्टैंड लेना और ऐसे करेक्टर के लिए स्टैंड लेना जिससे हमारे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी और वो आने वाले समय में उस इंस्पिरेशन से बहुत दूर जा सकते हैं। उसी तरह इस क्वेस्ट को देखते हुए, इस बाबा जीती वाली मुहिम को देखते हुए पूरी युवा विंग इस पर काम कर रही है,
और अब हम आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, आपके द्वारा जिस तरह हम सभी इशू उठाते हैं, आपके माध्यम से हम एलजी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले। हम सरकार को 10 दिन देना चाहते हैं कि सरकार इस पर सोचे, विचार करे, जम्मू के लोगों की आस्थाओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस पर कोई संज्ञान लेकर कोई ना कोई स्टेप उठाए। और अगर सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो हमें मजबूरन पूरे जम्मू प्रोविंस को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद पूरे नॉर्थ इंडिया को भी हम इकट्ठा करेंगे और इस मुहिम को हम एक आंदोलन के रूप में तब्दील कर देंगे। क्योंकि जब तक हमें हक हमारे नहीं मिलेंगे, जब तक जम्मू को उसकी पहचान से पूरी तरह से सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक एकजुट जम्मू पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे प्रधान अंकुर शर्मा जी की अध्यक्षता में हम बढ़ चढ़कर जम्मू के हित में कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा सरकार से यही कहना है कि सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, तो उनके पास भी एक बड़ा अच्छा मौका है क्रेडिट लेने का, वो क्रेडिट ले, जल्द से नाम चेंज करें। क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने एक धर्म के नाम पर राजनीति की हो, एक कम्युनिटी को टारगेट किया हो, उन लोगों को ना वो चाहेंगे कि कभी हम उन लोगों को एम्पावर करें, ना वो चाहेंगे कि अलगाववादियों को एम्पावर करें। अगर आप राष्ट्रवादियों को एम्पावर करेंगे तभी आप लोग राष्ट्रवादी गिने जाएंगे, अन्यथा आप फेक राष्ट्रवादी हैं। इसीलिए सरकार को और प्रशासन को हम कहना चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए और 10 दिन के अंदर हमें खुशखबरी दी जाए जम्मू के लोगों को, अन्यथा एकजुट जम्मू का पार्टी का पूरा कैडर इस मुहिम को आंदोलन में तब्दील कर देगा। धन्यवाद।